नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स लैब के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों से वाइवा के टाइम पे पूछे जाते हैं। एंड मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों से प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर क्या करवाया जाएगा, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर, कल आप लोगों का ई कॉमर्स लैब का वाइवा होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भैया इसके अंदर हमारा सिर्फ वाइवा लिया जाएगा या फिर हमारा इसके अंदर क्या होगा, क्या हमसे कुछ प्रैक्टिकल लिखवाया जाएगा, कोडिंग लिखवाई जाएगी या फिर हम लोगों से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, क्या हम लोगों को कंप्यूटर पे करके दिखाना है। सर देखो, वो सब चीज़ें तो आप लोगों की कॉलेज पे डिपेंडेंट रहती है कि आप लोगों का वाइवा कैसे लिया जाएगा, कैसे आप लोगों से फाइल्स चेक करवाई जाएगी। बहुत सारे कॉलेजेस पहले से ही बच्चों की फाइल्स लेकर रख लेते हैं। अगर आप लोगों के पास आपकी फाइल है तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि आप अपनी फाइल को अपने साथ जरूर लेके जाना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो मुंह के सीधा वाइवा देने पहुंच जाते हैं। ऐसा मत करना। अगर आप लोगों की फाइल आप लोगों के कॉलेज ने आप लोगों को दे रखी है चेक करके, तो उसको आप लोग सबसे पहले अपने बैग में रख लेना। इसके अलावा आप लोग जब अपने वाइवा को देने जाओगे कल, तो आप लोग सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आप लोगों का, वो है कि आप अपने फॉर्मल्स के अंदर जाना, टी शर्ट पहन के या फिर ऐसे ही उठ के मत चले जाना। मैं सजेस्ट आप लोगों को यही करूंगा कि एक प्रॉपर फॉर्मल, मतलब आप लोग शर्ट पहन के जाना, अच्छी सी लाइट कलर की कोई भी एक शर्ट पहन के चले जाना। नीचे ट्राउजर्स पहनने की कोशिश करना। गर्ल्स तो फिर भी ट्राउजर्स रखती हैं, बट बॉयज के पास होता है, कुछ कुछ लड़कों के पास ट्राउजर्स नहीं होते हैं। अगर आप लोगों में ट्राउजर्स नहीं है तो एक सिंपल सी कोई ब्लैक कलर की जीन्स या फिर कोई भी सिंपल रंग की अपनी जीन्स या फिर चीनोस टाइप कुछ पहन के जाना, जो थोड़ा सा फॉर्मल जैसा लगे आप लोगों का। मतलब जो होती है ना हमारी डेनिम जीन्स होती है, वैसा कुछ पहन के मत चले जाना, बहुत ही ऑड लगोगे, अलग से लगोगे। इसके अलावा फॉर्मल शूज पहन के चले जाना, बहुत बढ़िया आप लोगों का। जितना अच्छा आप लोगों का अटायर रहता है ना, उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स वाइवा के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर मिलते हैं। मैंने हर वाइवा के अंदर ये ट्रिक आजमा के देखी हुई है। मैं हर वाइवा के अंदर यही करता था और मेरे को सब में अच्छे मार्क्स ही मिलते थे, क्योंकि आप अपनी फर्स्ट इंप्रेशन को अपनी पर्सनैलिटी से ही दिखाते हो, तो वो सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं जरा आप लोगों के वाइवा के क्वेश्चंस की, कि आप लोगों से क्या सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ई कॉमर्स के वाइवा के अंदर। सबसे पहले तो आप लोगों को ई कॉमर्स के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिफाइन वगैरह पता होनी चाहिए, इतना तो पढ़ ही लेना यार। सेकंड चीज आप लोगों को पता होना चाहिए ई कॉमर्स के टाइप्स ऑफ मॉडल्स। ई कॉमर्स के टाइप्स अलग है, ई कॉमर्स के मॉडल्स थोड़े से अलग है, तो उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। B2B B2C वो सब चीजें जो आप लोगों की होती है, वो सब चीज आप लोगों को पता रहनी चाहिए, कौन से टाइप्स हैं, कौन से मॉडल्स हैं, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि टीचर्स इसमें आप लोगों को घुमा सकते हैं और इसके अलावा आप लोगों से वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसी से बना के पूछ सकते हैं। फिर आता हम लोगों का HTML के एलिमेंट्स और टैग्स। ई कॉमर्स के अंदर HTML बहुत ही ज्यादा जरूरी आप लोगों का है, क्योंकि टीचर्स आप लोगों से प्रैक्टिकल लिखवा भी सकते हैं और कंप्यूटर पे करवा के भी देख सकते हैं, तो आप लोगों से दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं। या फिर आप लोगों से जस्ट HTML के टैग्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, फॉर्मेटिंग हो गई, या फिर आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके एक टॉपिक होता है उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। HTML के अंदर आप लोगों की कोडिंग में अगर आप लोग ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो वो सब चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है। सो HTML इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आप लोगों से प्रैक्टिकल करवाया जाता है या फिर कोडिंग लिखवाई जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की, EPS जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के टाइप्स पता होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसकी डिफाइन पता होनी चाहिए, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज एक टॉपिक दे रखा है इस पूरे सिलेबस के अंदर, तो सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए, वो टीचर्स बहुत ज्यादा पूछते हैं बच्चों से, एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। एंड लास्ट में आता आप लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ IT या फिर एप्लीकेशंस ऑफ ई-कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ, या फिर आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, कहां कहां पे आप लोगों का ई-कॉमर्स या फिर उससे रिलेटेड चीजें यूज होती है। इनसे रिलेटेड भी बहुत रेयर पूछा जाता है, बट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो टोटल 7 टॉपिक्स मैंने जो आप लोगों को बताया, ये ई-कॉमर्स लैब के वाइवा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आप लोगों को जस्ट यही कहूंगा, भाई काम होकर अच्छे से वाइवा देना। बहुत सारे बच्चों को लगता है डर कि भाई हम लोग हमारा पहला वाइवा कैसे देंगे, या फिर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में वाइवा दिया भी होगा तो इतना अच्छे से आप लोगों ने नहीं दिया होगा, जल्दीबाजी में जस्ट वो तो हो जाता है, निपट जाता है। बट सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से वाइवा देना चाहते हो, सो अगर आप लोग अपनी CGPA को भी अच्छा बना के रखना चाहते हो आगे के लिए, सो जस्ट मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टिप्स यही देना चाहूंगा कि एक तो फॉर्मल्स में चले जाना, सेकंड इसके अलावा आप लोग वहां पर जब आंसर्स करोगे तो बहुत ही अच्छे से आंसर्स करना, ट्राई यही करना है कि आप लोग बिल्कुल भी नर्वस ना हो, और टीचर को नर्वस हो भी रहे हो तो दिखे ना कि आप नर्वस हो रहे हो। सो ऐसे आप लोग आंसर्स करना और कॉन्फिडेंटली आंसर करना, जो भी चीज़ें नहीं आती उनको बोल देना कि मैम या सर मेरे को भी नहीं आता है, आप प्लीज मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आप लोग का दिखाता है अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे वाइवा के अंदर। तो बाकी यार बड़े तरीके से वाइवा देना, ऑल दी बेस्ट, आई होप आप लोगों का वाइवा अच्छा जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बिकले इतना ही, धन्यवाद।